लोकसभा में 21 घंटे सिर्फ काम हुआ है, जबकि राज्यसभा 22 घंटे चल पाई है। आम आदमी के लिए यह आंकड़ा देखना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की संसद आपके टैक्स के पैसों से चलती है, इसीलिए हम आपके सामने ये लेखा जोखा रख रहे हैं। अगर सिर्फ लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा में इस मॉनसून सत्र में 74 घंटे 46 मिनट तक कामकाज ठप रहा, सिर्फ हंगामा होता रहा। इससे देश की आम जनता के टैक्स का आपको पता है कितना पैसा खत्म हुआ? 112 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। राज्यसभा की अगर बात करूं तो इस मॉनसून सत्र में 73 घंटे कामकाज ठप रहा और अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूं तो करीब 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्यों हुआ इसे अब ऐसे समझिए। लोकसभा की कार्रवाई में एक घंटे का खर्च होता है 1.5 करोड़ रुपए, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई में एक घंटे का खर्च होता है लगभग 1.1 करोड़ रुपए। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सच्चाई है जो देश को समझना चाहिए, क्योंकि संसद उन लोगों के लिए नहीं बनाई गई है जो वहां बैठते हैं। संसद देश की जनता के लिए बनाई है, उनके हित में कानून बनाने के लिए बनाई है, उनके लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए बनाई गई है। संसद के इस मॉनसून सत्र का हिसाब किताब कभी भविष्य में रखा जाएगा तो वो तमाम तस्वीरें सामने आएंगी जो इस सत्र में नजर आई। कभी पर्चा फाड़कांड, कभी सांसदों का निलंबन, तो कभी कुछ और। लेकिन सवाल यह है कि इसका हासिल क्या है, ऐसा करके फायदा क्या हुआ? हम लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी हूँ, इतना बेशर्मी के साथ अराजकता, उद्दंडता और हिंसा सदन के अंदर आज तक हमने नहीं देखी है ना महसूस की है। उन्होंने ये हंगामा किया, हिंसा किया, उसमें शर्मिंदा होने के बजाय ट्वीट कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उस वीडियो को। जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष ना चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग मूक दर्शक बन के पार्लियामेंट में सारी इनकी तानाशाही को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिक लगा के घूम रही है। इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। संसदीय मर्यादा और मर्यादाओं और परंपराओं की दुहाई देने से पहले ये बेहद आवश्यक है, इस सरकार को अपने अहंकार और गुरूर के आईने में एक बार झांकना चाहिए। मॉनसून सत्र में विपक्ष ने एक नहीं कई मुद्दे उठाए, किसानों से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जासूसी का मुद्दा सदन के भीतर हावी रहा। लेकिन इसी हंगामे के बीच कई जरूरी बिल भी पास हुए। संसद के इस मॉनसून सत्र में कुल 20 बिल पास हुए और इसकी जानकारी खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बिल कहा जाएगा OBC आरक्षण संशोधन बिल, जिसको कल लोकसभा से पास करवाने के बाद आज राज्यसभा से भी पास करवा दिया गया। ABP News आपको रखे आगे।